उनसे उलट पैरों को फैलाकर बैठा हुआ था। उसने माँ की नजरों से छिपते हुए खुद की गलती सुधारी, पर माँ से कुछ छिपता कहाँ है। पर उसने संजू से कुछ कहा नहीं। संजू के मन की दुविधा यूं तो किसी के लिए समझना आसान नहीं है। एक पल तो वो लड़की की तरह हाव भाव करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, पर अगले ही पल खुद ही लड़कियों की तरह बातें करता था। वो तो खुद समझ नहीं पाता था कि आखिर वो चाहता क्या है। शायद उसे जिस पल जो सही लगे वो उस तरह व्यवहार करता था। पर फिर भी यूं ही हंसते खेलते कब उस सीरियल को देखते हुए आधा घंटा बीत गया, उन दोनों को पता ही नहीं चला। स्कूल से आने के बाद संजू और उसकी माँ के बीच का रिश्ता कब माँ बेटे से माँ बेटी के रिश्ते में बदल जाता था पता ही नहीं चलता था। रोज स्कूल के बाद संजू एक लड़के की तरह ही शुरुआत करता, पर फिर धीरे धीरे रात होते तक लड़की के रूप में पूरी तरह ढलने लगता। और इस वक्त उसके लिए जितना संभव था वो अपनी माँ की बेटी ही था। मैंने कहा था ना, माँ की नमिता आज भी कुछ नहीं करेगी, संजू ने सीरियल खत्म होते ही माँ की चुटकी लेते हुए कहा। ठीक है, आज ना सही, कल तो जरूर कुछ करेगी, माँ ने भी जवाब दिया। तुम बस सपने देखती रहो माँ, मैं आज ही बता रही हूँ तुम्हें कि कल क्या, आज से 2 हफ्ते बाद भी तुम्हारे सपने पूरे नहीं होने वाले, संजू ने कहा। तो ठीक है, हम दोनों शर्त लगा लेते हैं, माँ ने भी नटखट अंदाज में कहा। अच्छा, यदि मैं शर्त जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा, संजू ने कहा। संजू को माँ से नोकझोंक करने में मजा आ रहा था। तेरी शर्त जीतने का तो सवाल ही नहीं उठता, तू शर्त हार गई तो तुझे बिना किसी शिकायत के नमिता की तरह साड़ी पहनने के लिए तैयार होना होगा, माँ ने संजू से कहा। वो संजू के चेहरे पर इस शर्त का असर देखना चाहती थी। माँ मैं शर्त नहीं हारूंगी, तुम बस इतना बताओ कि मैं शर्त जीत गई तो मुझे क्या मिलेगा, संजू ने अपने चेहरे से बिना कुछ प्रकट किए उसकी माँ को जवाब दिया। वो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। अच्छा, यदि तुम किसी कारण से ये शर्त जीत गई तो मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की, माँ कहते कहते रुक गई जैसे कुछ सोच रही हो। पसंद की क्या माँ, संजू ने पूछा। मैं तुम्हारे पसंद की साड़ी तुम्हारे पसंद की स्टाइल में पहनाऊंगी, माँ खिलखिलाते हुए बोली। माँ, संजू ने भाव बनाते हुए कहा, ये क्या है, तुम जीती तब भी तुम्हारी खुशी, मैं जीती तब भी तुम्हारी खुशी, संजू ने कहा। अरे, पसंद तो तुम्हारी ही होगी ना, माँ संजू के चेहरे को छूते हुए बोली। दोनों माँ बेटी कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखती रही और माँ के चेहरे की खुशी देखकर संजू के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अच्छा चल बेटा, अब रात हो गई है, तू जाकर अब सो जा, सुबह 6 बजे स्कूल के लिए उठना भी तो है, माँ ने गंभीर होते हुए कहा। ठीक है माँ, मैं जाती हूँ सोने के लिए, गुड नाइट, और संजू ने अपनी माँ से गले लगा कर गुड नाइट कहा। अच्छा एक बात सुन, चाहे तो चोटी खोलकर जूड़ा बनाकर सो जाना, और सोने के पहले दांतों को ब्रश करने के बाद अपनी ब्रा उतारना मत भूलना, माँ ने कहा। माँ, संजू ने जोर से कहा, क्या हुआ बेटा, रात को लड़कियों को ब्रा उतार कर ही सोना चाहिए, दिन में स्तनों को स्पोर्ट चाहिए होता है पर रात को उन्हें खुला रखना स्तनों के आराम के लिए जरूरी है, अब ये बात एक माँ अपनी बेटी को नहीं सिखाएगी तो कौन सिखाएगा उसे, माँ ने ऐसे कहा जैसे ये कोई मामूली बात हो, मगर संजू के लिए ये बात मामूली कहाँ थी। एक लड़की की तरह हंसना बातें करना और एक बेटी की तरह व्यवहार करना फिर भी थोड़ा आसान है, मगर शरीर में आने वाला ये बदलाव उसके लिए वास्तविकता थी जो उसे इस सच से वाकिफ कराता था कि संजू शायद एक दिन पूरी तरह से लड़की बन जाए। इस सच को वो अनदेखा करना चाहता था मगर उसके स्तन हर पल उसे आभास कराते थे। माँ की कही हुई बात से उसका मन विचलित हो गया था, फिर भी किसी तरह संजू नजरें झुकाए अपने कमरे की ओर बढ़ चला था। अपने बेटे बेटी को इस तरह उदास देखकर किस माँ का दिल दुखी न होता। संजू की माँ भी बस यही महसूस कर रही थी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी, भविष्य में क्या लिखा है ये तो वो नहीं जानती थी, पर जैसा भी भविष्य हो उसकी तैयारी करना उसकी जिम्मेदारी थी और बस इसी जिम्मेदारी को पूरी हिम्मत के साथ वो पूरा कर रही थी।
वही संजू अपने कमरे में अपनी ब्रा उतारने के बाद अपनी मैक्सी पहने हुए सो गया। अपने पैरों को घुटनों के पास मोड़कर खुद को मैक्सी की गर्माहट में खुद को ढाढ़स बंधाते हुए इस सपने के साथ कि शायद एक दिन जब वो सोकर उठेगा तब सब कुछ ठीक हो चुका होगा, उसकी मुश्किलें खत्म हो जाएगी और उसे एक दिन इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि वो लड़का है या लड़की। आंखें बंद करते ही संजू के दिमाग में सहसा ही कुछ और ख्याल आने लगे। उसके मस्तिष्क में एक तस्वीर उभर रही थी, एक ऐसी तस्वीर जो उसे बेचैन भी कर रही थी और उसे खुशी भी दे रही थी। उसके जीवन के बाकी पहलुओं की तरह ये भी उसके मन की एक दुविधा ही थी। इतनी मोहक तस्वीर उसे यूं बेचैन क्यों करती थी? उसे बेचैन करने वाली वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि ऋतु की थी।